समझ में आ गया है। केंद्रीय समिति के बहुत सारे अधिकारी जो हमारे साथ में आए हैं, जैसे आप लोग पूर्व रूप से आए हैं, वैसे हम लोग भी रांची से अपना काम वाम छोड़ करके आप लोगों से मिलने के लिए आए। इतना भारी संख्या में महिला लोग यहाँ बनती है, माँ है, बहने हैं, यहाँ पे हम लोगों का मिलना जरूरी क्यों है, का ले जरूर है, का हमें मिलना चाहिए, कोई वोट कर बात न करो, वो बोले तो कोई वोट कर बात न करो। मोहे जब झाड़ुओं पर पहले सरकार बन रहे तब मैं अपर महानिमुक्ता पहलू रहे, झाड़ुओं बीजेपी कर सरकार भी बदल रहे तब अपर महानिमुक्ता बन के मुख्य काम करे मौका मिला। उन सब के देखो बाद में जब बीजेपी के सरकार बन लग तो मैं महाधिवक्ता बन गए, सबसे बड़ा सरकार का मंत्री होगा, हाईकोर्ट में काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा, उन्होंने बना ले तब जाके मैं झारखंड पार्टी ज्वाइन कर लू। स्वच्छ पार्टी को क्या मिला, इस राज्य के ईसाई भाइयों बहनों को क्या मिला अभी तक,
अभी भी हाईकोर्ट में मैं काम करता हूँ एक वरीय अधिवक्ता होकर के, एक सीनियर एडवोकेट बन करके, और आज कोर्ट का काम छोड़ करके इसलिए आना पड़ा क्योंकि मध्यस्थ आते जी हम लोगों को यहाँ पे बुलाए, न्योता दिए और संदेश एक का हमारा जिंदा भाई भी है और मेरा बच्चा भी है। रहने बच्चे बता रहे थी कि संदेश मन पढ़ लिख के रहने बच्चे भी चावत है, एमबीए कर है, नौकरी कर सकेला, लेकिन यहां हमारे मन को बुला करके परिचय करावत है। हमारे मन कर सौभाग्य कर बात है, आई के है और पढ़ लिखे समझे ना सब कुछ रवने में भरोसा करो, अगर इमें धोखा देवे तो वो गलत हो। केंद्रीय समिति से अशोक भगत जी है, किरण आयन जी यहाँ बैठे, रिजवान जी ऊंचा अधिकारी यहाँ बैठे, मैं गलत हो कि अगर इन्होंने गलती कर ले तो हमारे मन इनका ध्यान में, लेकिन मैं गलत हो छोटे भाई है बेटा है भरोसा करूं कुछ बदलाव कई तरह हमारे मन में। देखो एक बात, मैं इस स्टेज से मुख्य मन कर रहे हैं बोले के लिए अधिवक्ता है तो कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हो तो बोले कर आदत है कोर्ट में ही रावली मन के बीच में रावली मन के भाषा में मैं कुछ और लिख रहा हूं बोले के लिए, लेकिन पढ़े हुए ठीक नहीं लग रहा है ओके लागलग जे लीक हो तो अगर पढ़ू तो ठीक नहीं रहे ओके जे मन में कर रखे वही बोले चाहिए। मोए अशोक भगत जी से परमिशन लेके उनसे अनुमति लेके हमारे जितने अधिकारी लोग हैं केंद्रीय अधिकारी छात्र पार्टी के उनसे अनुमति लेके मोए सब आप लोगों को महिला माओ और बहनों को देखते हुए एक घोषणा करना चाहता हूँ जिसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं पार्टी के केंद्रीय लेवल पे बहुत गंभीरता से कि सरकार मने सिर्फ आरक्षण आरक्षण बोलत है, महिला का आरक्षण होने से भी बोलत है, लेकिन हमारी पार्टी झारखंड पार्टी फैसला ले ले कि महिला मन के 50% आरक्षण ये पार्टी देगी। ये जो पार्टी है के संगठन स्तर पर कार्यालय के अधिकारी के स्तर पर कर्मचारी के स्तर पर और पार्टी का जब चुनाव के समय आई तो टिकट के बंटवारा के टाइम में भी हमरे मन डिसाइड कर भी उकर लिखा पढ़ी कही के हमरे मन बैठक कर लिखा पढ़ी कर और वो घोषणा कर दो कि 50% महिला को आरक्षण हमारी पार्टी देगी, भले सरकार अपनी घोषणा करे और उसको लागू नहीं करे लेकिन ये काम हमारी पार्टी करेगी। दूसरी बात, जो 27% आरक्षण पिछले वर्षों के लिए है जो सरकार सिर्फ कागज में घोषणा किया है उसको लागू करने नहीं जा रही है, सरकार कभी लागू नहीं करेगा, लेकिन हमारी पार्टी यह भी फैसला लगभग कर चुकी है कि हम लोग पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण अभी से ही देंगे और 50% महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उसमें भी जो 27% का आरक्षण है वो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। एससी एसटी का जिस तरह से आरक्षण पहले से निर्धारित है उसी प्रकार से आरक्षण हम लोग देने के बारे में निर्णय लेने जा रहे हैं। हमारे मन गलत थी कुछ उल्टा पुल्टा घोषणा कुछ उल्टा पुल्टा बात हमारे मन नहीं करम, हमारे मन झूठ नहीं बोलम, हमारे मन जो कुछ लिखा थी
सामाजिक मुहूर्त है, रोजगार रोजगार मिल रहे 5 लाख रोजगार दे रहे, 5 रोजगार क्या मिलत है? अब कोर्ट में कोई सरकार जैसे जैसे सी और जो चुनाव करे करे जे आयोग में है खाली केस बनाते हैं, लोगों को रोक देते हैं, अच्छा नहीं लगे। मैं इतना ही बोल करके आप लोगों के सामने अपनी बातों को विराम देता हूँ, आप लोगों को क्षमा मांगता हूँ कि अगर आपने बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया। आप लोगों को हमारे केंद्रीय महासचिव जी हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है, उन्होंने बोल मैं रवड़े मन थोड़ा बहुत बर्दाश्त करूँ और उनको क्षमा करूँ अगर ज्यादा समय रहने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्याध्यक्ष लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।